आज बन रही है हमारे घर में केले की सब्जी, जो कि फर्स्ट टाइम बन रही है मेरे सामने। बाबा भी कट कर रहे हैं और कुछ पापा ने यहाँ पर फ्राई भी कर दिए हैं। तो अभी पापा ने केले कट कर दिए हैं और आधे फ्राई भी कर दिए हैं। ये कर रहे हैं पापा केला फ्राई। ये चिप्स बन जाएंगे ना पापा? ये तो जैसे केले के चिप्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे डल चुकी है मिर्च, साथ साथ में हो रही है पापा की सफाई भी। और अब गया प्याज। थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पे पापा तैयार कर रहे हैं मसाला। सारे पत्ते हो चुके हैं फ्राई। मसाला कौन कौन से डाले हैं आपने? जीरा, हाँ, हरी मिर्ची, ओके, प्याज ब्राउन करना है, उसके बाद आपको टमाटर कद्दूकस के रखना है, जैसे पापा ने रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी स्वाद अनुसार, नमक डाला जाएगा। काला नमक स्वाद अनुसार। अच्छा। नमक डाला जा रहा है। अच्छा, कम ज्यादा खाता है। अच्छा, अगर कम हो जाए तो दोबारा डल जाएगा। ओके, ज्यादा हो गया तो खराब हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हो चुका है प्याज का हल्का ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुका है, ज्यादा काला करेंगे तो दाल करेंगे तो काला पड़ जाएगा। आप हल्दी मिर्ची धनिया डाल दीजिएगा और उसके बाद टमाटर डालिए। थोड़ा सा पानी लगाइए। हाँ, टमाटर कंपलसरी है, बताओ। कंपलसरी है। अच्छा। टमाटर की सब्जी कैसे बनेगी? अच्छा। नहीं बन सकती है। अब उसको फिर थोड़ा सा इसमें हम मसाले के साथ टमाटर के साथ थोड़ा सा दही डालेंगे, 2 चम्मच। थोड़ा उसमें खट्टापन और आ जाएगा हल्का सा। तो यहाँ पे पापा डाल रहे हैं दही। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मसाले हो चुके हैं तैयार और तेल भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें पानी है। पानी है अभी? अभी बहुत पानी है। अच्छा, मतलब पूरा सूखना चाहिए। जब तक तेल नहीं छोड़ेगा, हाँ, तब तक आपको मसाला तैयार नहीं होगा, टेस्ट नहीं। ओके, तो ध्यान रखना कि जो भी मसाला आप बना रहे हो पूरी तरह सूख जाए, पानी बिल्कुल ना रहे उसमें। तेल कितना छोड़ेगा? तब तक कोई बात करेंगे। तो केले की सब्जी के साथ साथ पापा ने दाल के लिए भी मसाला तैयार कर दिया था। पापा ने बताया नहीं हमको
एक काम दो पंच कर दिया ना पापा, दो काम एक पंच। तो यहाँ पे पापा इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल के ये दाल में डालेंगे, क्योंकि आज बन रही है दाल और केले की सब्जी। तेल फूटना शुरू हो गया है, अब मैंने इसे यहाँ मसाला तैयार हो चुका है। पापा बना रहे हैं दही, दही में थोड़ा सा पानी मिलाया है जिससे कि वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाए। ये गया दाल में मसाला और हमारी दाल भी हो चुकी है रेडी। अभी डाला पापा ने दही, पानी पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसमें हम फ्राई किया हुआ पत्ता डाल देंगे। अभी उबाल भी आना पड़ता है इसमें? हाँ, अभी उबाल आना है इसको, पानी पकेगा उसके बाद। नहीं तो अगर कच्चे में डाल देंगे पानी में तो क्या होगा, केला जल के गल जाएगा, मैट हो जाएगा। ओके, इसलिए पानी पकने दें। स्वादानुसार नमक। तो पापा ने नमक इसमें अभी डाला है, तो अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और वेट करते हैं इसका एक उबाल आने का, उसके बाद डाले जाएंगे इसमें एक केले। पानी पक गया है मसाले का करीब करीब, अब हम इसमें जो हमने फ्राई किए हुए केले हैं वो इसमें डाल दिए। सो फाइनली केले इसमें जा चुके हैं ना। तो अब पकने के लिए रख दिए पापा ने, कितने देर तक? बस 2 मिनट खाली, बस मसाला मिक्स हो जाए और पानी सूख जाए इसका हल्का सा, और पानी दिखना नहीं चाहिए। ज़्यादा हिलाएंगे तो एकदम मैश हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि केले का पीस होता है, इसलिए इसको ज़्यादा हिलाएंगे। तो हमारी सब्जी हो गई है रेडी। रेडी हो चुकी है, अब इसमें बस धनिया डालना रह गया है। हरा धनिया डालना रह गया। ओके, तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा पापा ने किस तरह से सब्जी बनाई है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस यहाँ पर सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, मतलब अभी थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए रखी थी उसको और पकाने के लिए, फिर पापा उसमें ऊपर से धनिया डाल के, हरा धनिया डाल के बंद कर देंगे। बस इतना ही था, और ये थी हमारे पापा की रेसिपी। अगर आप लोग कुछ अलग रेसिपी बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और पापा का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए